निर्देशित सुमन चिकला की फिल्म सत्यभामा द क्वीन ऑफ मास अब एक और नए ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आज से स्ट्रीम हो रही है। इससे पहले इस फिल्म को अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम किया गया था। इस क्राइम एक्शन ड्रामा फिल्म में काजल अग्रवाल एक पुलिस वाले के किरदार में गुंडे के छक्के छुड़ाती नजर आई। इस फिल्म में काजल के प्रशंसक उनके अभिनय की जमकर तारीफ कर रहे हैं। क्राइम एक्शन ड्रामा सत्यभामा में अब एक नए प्लेटफॉर्म पर भी स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध है। इससे पहले यह फिल्म सिर्फ अमेजन प्राइम वीडियो पर ही उपलब्ध थी, लेकिन फिल्म मेकर्स ने फिल्म की लगातार सफलता को देखते हुए अब इस फिल्म को एक और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर दिया है। बता दें कि काजल अग्रवाल की फिल्म सत्यभामा को व्यापक दर्शकों तक पहुंचाने के लिए अब ईटीवी विन पर भी स्ट्रीम किया जा रहा है। यह दोहरे प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जा रहा है, जिससे फिल्म को प्रशंसकों की अच्छी प्रतिक्रिया मिले। वहीं अब काजल के प्रशंसक इस फिल्म को दो प्लेटफॉर्म पर आसानी से देख सकेंगे और फिल्म का लुत्फ उठा पाएंगे। यह फिल्म अब अमेजन प्राइम वीडियो और ईटीवी विन पर उपलब्ध है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार काजल की यह 60वीं फिल्म है, जिसमें काजल के अलावा प्रकाश राज, नवीन चंद्रा, नगिनीदू, हर्षवर्धन, रवि वर्मा, अंकित कोया के अलावा भी कई कलाकारों ने अहम भूमिका निभाई है। बॉबी टिक्कर और श्रीनिवास राव तक्कलपेल्ली ने आरम आर्ट्स के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण किया है। काम की बात करें तो काजल अग्रवाल हाल ही में कमल हासन की बहुचर्चित फिल्म इंडियन 2 में नजर आई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार काजल की आगामी फिल्म का नाम कनप्पा है। इस फिल्म में काजल के अलावा प्रभास, कीर्ति सेनन, नयनतारा, अक्षय कुमार और मोहनलाल जैसे दिग्गज सितारे नजर आएंगे। बहरहाल काजल के प्रशंसक उनकी फिल्म सत्यभामा को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कर सकते हैं। ऐसी मूवी न्यूज अपडेट रहने के लिए मूवी मसाला को सब्सक्राइब करें।